थैंक यू रणविजय जी, प्रोफेसर साहब, आपने बहुत ज़्यादा बड़ाई कर दिया। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अमरेंद्र त्रिपाठी जी, उपस्थित उप विकास आयुक्त, एसडीओ साहब, जिला स्तरीय सभी पदाधिकारीगण, मीडिया कर्मी, यहाँ पर उपस्थित दूर जगहों से आए हुए खिलाड़ीगण, कलाकारगण, उपस्थित दर्शक, भोजपुर के निवासीगण, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि जिस धरती पर बाबू वीर कुंवर सिंह ने अपना विजय हासिल किया था, उस धरती पर मुझे सेवा करने का मौका मिला है। इस विजयोत्सव को मनाने का सरकार का उद्देश्य भी यही था कि सन 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो हुई थी, उसके प्रथम महानायक, खासकर के बिहार के महानायक श्री वीर कुंवर सिंह जी के संबंध में पूरे देश के लोग जाने, देश के कोने कोने में प्रचार हो कि बिहार से भी कोई एक बड़े महानायक थे। और इस उत्सव के जरिए, जो कि पटना में भी हो रहा है और भोजपुर में भी हो रहा है, इस उत्सव के जरिए मेरा पूर्ण विश्वास है कि देश भर के लोगों को बाबू वीर कुंवर सिंह की वीरता, उनके शौर्य गाथा, उनके द्वारा जो 1857 की प्रथम स्वतंत्रता की लड़ाई, उसमें उनका जो योगदान है, उसके संबंध में अब देश भर के लोग जानेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार होगा, बिहार के महानायकों को लोग जानेंगे, इससे ज़्यादा खुशकिस्मती बिहार के लोगों के लिए और क्या हो सकती है। यहाँ पर जितने भी खिलाड़ी उपस्थित रहे, अन्य अन्य विधाओं का यहाँ पर खेल हुआ है, कुश्ती, तीरंदाजी, घुड़सवारी, घुड़दौड़, कबड्डी, भाला फेंक प्रतियोगिता, विभिन्न तरह के प्रतियोगिता आयोजित किए गए हैं, और इन सभी का संबंध उनके जीवन से रहा है, उनकी वीरता से रहा है, बाबू वीर कुंवर सिंह जी की वीरता से रहा है। इसके लिए हम लोगों ने इस तरह का आयोजन किया, पूरे 25 एकड़ के क्षेत्र में यह फैला हुआ, यह जो बाबू वीर कुंवर सिंह ग्राम के नाम से हम लोगों ने जो विकसित किया है, 25 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ जो भी लोग आए हैं, अन्य अन्य विधाओं में लोगों ने भाग लिया, विभिन्न महिला महोत्सव का आयोजन किया गया, फूड पार्क बने, इतनी गर्मी में भी लोग यहाँ पर उपस्थित रहे, यह भोजपुर के वासियों का बाबू वीर कुंवर सिंह में जो श्रद्धा है, यह उसको दर्शाता है। बाबू वीर कुंवर सिंह किसी एक खास जाति, समुदाय, धर्म से संबद्ध नहीं रखते थे, उनके सेनानियों में सभी वर्ग के लोग थे। उनका जो कचहरी होता था, उनका जो मंच लगता था, उनको सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बहुत प्रिय था, तो उसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर चार ऐसे जगह हैं जो कि खास महत्व के हैं, उस चार जगह के अलावा अन्य जगह भी भोजपुर में है जो कि महत्व के हैं। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो शिवपुर घाट है। शिवपुर जो घाट है, वहाँ पर उनको गोली लगी थी हाथ में जब अंग्रेजों के साथ उनका युद्ध हुआ था, उन्होंने उसके पॉइजन से बचाने के लिए अपने हाथ को काट लिया था। वो शाहपुर में है, यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर, यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। तो उसी को हम लोगों ने रिप्लिकेट करने की कोशिश की, वहीं से हमारी जो सभा चली, उनके सेनानियों के साथ जुलूस निकला जो कि किला मैदान में पहुंचा, और वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसका जुलूस का स्वागत किया गया। उसके पश्चात कुछ और जगह है, जैसे बीबीगंज है, बीबीगंज में भी उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया था। कायम नगर है, कायम नगर में भी अंग्रेजों से युद्ध करके उनको हराया था। आरा हाउस है, आरा हाउस जो कि महाराजा कॉलेज के अंदर है, वहाँ पर एक सुरंग है जो कि जहाँ पर अंग्रेज रहते थे वहाँ से, और जहाँ से वो अटैक किए थे अंग्रेजों, उस सुरंग को भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी महत्व की चीज़ें हैं भोजपुर में, और ये भोजपुर वासियों के लिए गौरव का विषय होना चाहिए। इसके अलावा कुछ जगह हैं जो उनसे संबंधित है, जैसे
धर्मन चौक और करमन टोला, राइट, धर्मन चौक और करमन टोला जो उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम से संबंधित जगह है आरा में, उसी तरह दुसाधी पठार जो कि पीरो में, तो पूरा भोजपुर जिला बाबू वीर कुंवर सिंह की गाथाओं से भरा हुआ है। तो भोजपुर के वासियों को इसमें एक आत्मसम्मान बढ़ता है जब उनके वीर नायक का को सम्मान मिलता है, और इस विजयोत्सव के जरिए जिला प्रशासन, कला एवं कला संस्कृति विभाग, बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी का सबका यही उद्देश्य रहा है कि इस विजयोत्सव के जरिए हम अपने महानायक को सेलिब्रेट करें, उनका उत्सव मनाएं। आप लोग यहाँ उपस्थित रहे, विभिन्न तरह के विधाओं में भाग लिया, आप सभी लोगों का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। अद्भुत संपूर्ण इतिहास।